मैं अपने चाहते से सब पैसा लगा रहा हूँ। 12 लाख अभी तक लगा चुका हूँ मैं। अब तो मुझे पहले बचा था तो वो हेडवन में उसकी सर्जरी हो गई थी। कम से कम 4.5 लाख रुपये में मुझे पहले भी उसमें खर्चा आ गया था बचे में। उसके बाद सर वो सर्जरी होगी तो वो उसको सर्जरी सही पास नहीं हुई, वो फेल ही हो चुका। कुछ 21 दिन के बाद वो डेथ हो चुका जी। उसके बाद सर दूसरा बच्चा आया तो वो ठीक ही है, तो उसमें ये हरनी आई है, खब्बी साइड से है हरनी। उसको भी 1 महीने के बाद में ऑपरेशन है मुझे जी। अब ये तीसरा बच्चा मुझे गोद में जो है, इसको भी कैल्शियम बहुत ज़्यादा था तो शालीमार में 2 महीने रहा था एडमिट, वहाँ से रेफ़र कर दिया चंडीगढ़ के लिए। तो चंडीगढ़ में कम से कम एक महीना आठ दिन रख दिया इसको। तो वहाँ से फिर सर इसको आँखों में प्रॉब्लम आ गई, आँखों के बाद इसको आँखों में सर्जरी की। अभी तक जो खर्चा मुझे हुआ कम से कम 12 लाख रुपया खर्चा मेरे चाहते से हो रहा है। तो अब ज़मीन बेचने पे अंकल बोल रहा है ज़मीन बेचेंगे, तो ज़मीन बेच के फिर कहाँ खुद जाएंगे हम। तो हर एक ऑफिसर के पास मैं गया अभी तक इस डिस्ट्रिक्ट में, जो भी मेडिकल से अटैचमेंट रख सकता है थोड़ी बहुत, क्या तहसीलदार के साथ में गया, उसके भी कागज़ मतलब साइन किए हुए हैं मेरे पास यहाँ मौजूद हैं। तो कागज़ बहुत सारे यहाँ पे पड़े हुए हैं, वो भी देख लेना आप सर। बहुत मतलब कंडीशन मुझे बुरी है, बहुत गरीब हूँ, हर एक से मैं मदद मांगना चाहता हूँ, मुझे कोई हेल्प चाहिए। आपको यहाँ पर हमारे जो सरकारी मुलाज़म है जैसे मेडिकल हो डिपार्टमेंट हो गया या और भी कोई किसी, जैसे बहुत सारे यहाँ हमारे रहते हैं ना, जैसे कि अपने आप बड़ा होने का दावा करते, किसी ने आज तक हेल्प की आपको? सर कोई हेल्प नहीं मुझे पूछी सर अभी। मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से कोई हेल्प मिली आपको? सर नहीं, कोई हेल्प नहीं। एक सर संजीत सर जम्मू में जो था उसने मुझे 24,000 की एम्बुलेंस वहाँ से मिलती थी, चंडीगढ़ जो रेफर हुआ था ये बच्चा, तो उसने मुश्किल से वो भी सुपरिटेंडेंट साहब के पास साथ में आया था, तो वहाँ से मुझे फ्री वो एम्बुलेंस मिली थी बहुत सी मुश्किल के साथ वो भी जी। तो आप मेडिकल डिपार्टमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे? क्या ये तो कहते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमारी तरफ से मुफ्त इलाज होता है, कैंप लगते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई हेल्प हुई होगी आज तक। कुछ नहीं सर, इसको गोल्डन कार्ड जो है बनता है वो इसको आधार पे, वो फिंगरप्रिंट है नहीं, वो भी मैंने सर देखो परसों जैसे मैं बख्शी नगर में था उधर भी चेक करवाएं कहीं से मत बन जाएगा, उन्होंने भी बोला नहीं इसको नहीं बनेगा यहाँ पे, तो इसको फिंगर वो नहीं है आधार पे तो। हाँ छोड़ो।